वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने पर्यावरण में ईवीएस के चैप्टर में हम यहाँ पर अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें चौथा टॉपिक आज का हमारा। तो आज हम प्राकृतिक संसाधनों को देखेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन रहते हैं, हम जहाँ मौजूद रहते हैं, हमारा जो परिवेश रहता है, उस आधार पर प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार के रहते हैं, वो जो प्राकृतिक संसाधन में हम किस प्रकार से उपाय और संरक्षण के माध्यम से आर्थिक क्रिया के आधार पर और उसके साथ साथ हम किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन को यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सीधे हम थ्योरी पर चलते हैं, थ्योरी की बात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि पर्यावरण में उपलब्ध, ठीक है, जो पर्यावरण रहता है हमारा, एक जो आवरण रहता है, इस आवरण में सभी वस्तुएं जिसमें मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता होती है, मतलब ऐसी वस्तुएं जिसमें हमको यहाँ पर सहयोग की आवश्यकता होती है, पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसके बिना हम अलग रहते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। सीधा सा रहता है, ज़्यादा खींचने की बात नहीं है इसमें। और प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है, देखो मिट्टी आती है, जल आता है, खनिज आता है, वन्य जीव आते हैं और भूमि आती है, ऊर्जा आती है, ठीक है। यहाँ पर इतने प्रकार की चीज़ें प्राकृतिक संसाधन में आती है। अब जो प्राकृतिक संसाधन रहते हैं उनको हम चार प्रकार में बांटते हैं, जिसको हम यहाँ पर भू संसाधन की बात करते हैं कि भूमि पर कौन कौन से संसाधन उपस्थित है, मौजूद है। इसके अलावा जल संसाधन है, मतलब जो मिट्टी रहती है उसकी गुणवत्ता रहती है, कौन कौन से प्रकार रहते हैं वह रहता है। इसके अलावा वन संसाधन है कि वन जो रहते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कितना प्रतिशत रहता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा ऊर्जा की बात करें, जो ऊर्जा रहती है वो कौन कौन सी रहती है और किस प्रकार की हमको ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। ये चार प्रकार का प्राकृतिक संसाधन बताए गए हैं, जिसके अलावा यहाँ पर हम हर एक संसाधन को डिटेल में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानेंगे भू संसाधन क्या होता है। तो भू संसाधन के बारे में बात करें, यह प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो भू है, भू संसाधन को भूमि का संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आधार पर हम यहाँ पर समझेंगे। तो वो संसाधन या प्राकृतिक संसाधन है जिसमें मानवीय जीवन, वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रिया, परिवहन, संचार आते हैं, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी रहती है, इसमें यहाँ पर हम जो जीवन यापन करते हैं, मानवीय जीवन व्यवस्थित होता है। उसके अलावा वन्य जीव जो रहते हैं यहाँ पर, उस आधार पर इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति आ जाती है। जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति में पेड़ पौधे हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक क्रिया है, जैसे कि मान लीजिए जो पेड़ पौधों को हम यहाँ पर जो लकड़ी रहती है सागुन की, साल की, इसका हम व्यापार करते हैं, या आर्थिक क्रिया, परिवहन, संचार, जैसे कि जो लकड़ियाँ रहती है या फिर वन से संबंधित जो परिवहन संचार आते हैं, वह सभी भू संसाधन में कहलाते हैं। अब देखिए भू संसाधन जो रहता है वह भारत में भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से रहती है, मतलब जो भूमि है वह किस प्रकार में, तो तीन प्रकार में रहती है। एक मैदान में रहती है, जिसको मैदान में इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, ठीक। इसके अलावा पठार की बात करें तो पठार का एक हिस्सा ऐसा रहता है कि जो आसपास है ना नीचे रहता है और बाकी ऊपर हिस्सा एक पठार में कहा जाता है। जैसे कि हमारा ये मालवा का पठार है ना, और मालवा के पठार के आसपास हम जाएंगे तो इसलिए जैसे गुजरात है ना नीचे है, या फिर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वह नीचे आएगा, इस प्रकार का रहता है। इसके अलावा पर्वत आते हैं तो पर्वत भी इस प्रकार के रहते हैं, ठीक है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठी सातवीं क्लास से। तो तीन प्रकार के हमारा भारत में भौगोलिक क्षेत्र है। अब इनको डिटेल में देखेंगे किस प्रकार से रहता है। तो भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र रहता है वह 43% रहता है, ठीक है। जो 100% रहता है उसमें मैदान जो हमारे है वह 43% रहते हैं, जिसमें गंगा का मैदान आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैदान आते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मैदान हैं, ठीक है, जैसे पानीपत का मैदान है, इस प्रकार का मैदान रहता है। अब देखो वहाँ पर क्या क्या उपस्थित रहते हैं, हम क्या कार्य कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर कृषि कर सकते हैं और उद्योग लगा सकते हैं, दो प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे पठार जो रहते हैं, पठार में क्या क्या रहता है, तो पठार 27% बताया है 100% में से, ठीक। जो पठार रहते हैं वो सामान्य तौर पर 27% बताया है, जिसमें यहाँ पर हम खनिज प्राप्त करते हैं, ठीक है, ईंधन के लिए जो अपघटित रहते हैं, अपघटित जीव रहते हैं उसका ईंधन प्राप्त करते हैं, वन प्राप्त करते हैं और जीवाश्म प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पर्वत रहता है, तो पर्वत जो रहते हैं वो 30% रहते हैं, ठीक है। जो पर्वत रहते हैं यहाँ पर 30% बताया है भारत में, जिसमें क्या क्या होता है, नदियों में जो प्रवाह रहता है, ठीक है, जैसे कि गंगा, यमुना, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो नदियाँ रहती है वो पर्वतों से निकलती है, उसी का आधार पर यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं और बहुत सारी क्रियाएं इस प्रकार से होती रहती है। और देखिए भू संसाधन में हम यहाँ पर किस प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं या महत्व किस प्रकार से रहता है तो वो जानेंगे, ठीक है। इनमें मानवीय जीवन का आधार बताया गया है, ठीक है, जो हमारा जीवन है, हमारा क्रियाकलाप है, ये सारे भू संसाधन में सम्मिलित होते हैं, इनके बिना हम अधूरे रहते हैं। अगला देखेंगे हम आर्थिक विकास का आधार रहता है। तो आर्थिक विकास का आधार किस प्रकार से रहता है कि जो भू संसाधन है इसमें जैसे कि उद्योग है ना, तो उद्योग में अगर आप कार्य करते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक विकास रहता है वह सहायक रहती है। इसके अलावा प्राथमिक उद्योग की बात करें जैसे कृषि रहती है, ठीक है, तो कृषि में अगर आप कोई चीज़ें लगाएंगे, उत्पादन करेंगे, उसका मंडी में ले जाएंगे,
और उसके अलावा उसमें जो कार्य जो लगता है वो करेंगे, उसको प्राथमिक उद्योग के आधार पर रखते हैं। अब देखेंगे हम कि व्यापार आते हैं तो व्यापार लघु उद्योग कुटीर उद्योग इस प्रकार के आते हैं। व्यापार भी तीन प्रकार के, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र, इस प्रकार से यहाँ पर व्यापार में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लाभ प्राप्त होता है। अगला देखेंगे शक्ति के संसाधन। तो शक्ति के संसाधन किस प्रकार से रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जल रहता है तो जल ऊपरी क्षेत्र से गिराकर इसे टरबाइन के माध्यम से विद्युत प्राप्त करते हैं, कोयले के माध्यम से अग्नि प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से शक्ति संसाधन प्राप्त होते हैं। अगला जो परिवहन रहता है, संचार रहता है, वह भी भू संसाधन के अंदर का रहता है ना। इसके अलावा देखेंगे रोजगार, तो यहाँ पर देखें हम जो सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें रोजगार भी प्राप्त हो रहा है हमको, और रोजगार से हमारी अर्थव्यवस्था रहती है वह भी सुधर हो रही है। इस प्रकार का भू संसाधन के महत्व रहते हैं। अब देखें अगर यहाँ पर हमको संरक्षण करना रहेगा या फिर हमको उसको सुरक्षित रखना रहेगा तो किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, तो देखो प्राकृतिक शक्ति रहती है ना, उनको बचाने के लिए यहाँ पर बल देना चाहिए। इसके अलावा जैसे यहाँ पर मानवीय क्रिया जो रहती है और जल प्रदूषण रहता है, ठीक है। मानवीय क्रिया जो रहती है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी मानवीय क्रिया है, ठीक है। मानवीय क्रिया किस प्रकार से, जैसे कि ये बोर्ड है आपका और ये बोर्ड लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, और ये लकड़ी किसी भी प्रकार के वन की हो सकती है, इस प्रकार से ये मानवीय क्रिया का रहता। और जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण रहता है, वो जल जो स्वच्छ जल रहता है उसमें रासायनिक क्रिया द्वारा या फिर कंपनियों के द्वारा जो गंदा जल मिलता है उसमें जल प्रदूषण रहता है, तो उससे अगर हम बचाएंगे तो संरक्षण कर सकते हैं। अब देखिए भू संसाधन की बात करें, उपाय की जो उपाय रहते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं, तो देखो यहाँ पर हम मन लगा सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चारागाह भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो पहले के टाइम पे भीड़ बोलते थे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गाँव में अक्सर भीड़ का नियंत्रण होता था, जैसे कि अधिकतर जो गाँव में लोग रहते थे वह अपने अपने क्षेत्र में भीड़ लगाते थे, चारा का उत्पादन करते थे, ठीक है। इसके अलावा पेड़ों के रक्षक मेखला बना सकते हैं हम, जैसे जो खेत रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आंधी या तूफान आता है तो जो मिट्टी रहती है वह उड़ती है, तो उसको बचाने के लिए हम यहाँ पर पेड़ों के रक्षक मेखला एक लाइन में बना सकते हैं। अब इसके अलावा देखेंगे पशुचारण पर नियंत्रण, तो जैसे कि पशु को हम चरने छोड़ते हैं तो इस पर अगर नियंत्रण रखेंगे उसके लिए कोई और उपाय देखेंगे हम, यहाँ पर हम उपाय कर सकते हैं इस प्रकार का। अब देखो यहाँ पर रेतीले टीले पर नियंत्रण, तो हम जैसे रेगिस्तान क्षेत्र में देखते हैं मरुस्थल में, तो हवा पर हवा इस प्रकार से चलती है। अगर आप सुबह देखते हैं कि यहाँ पर इस स्थान पर एक टीला बना हुआ है रेत का और इधर से अगर हवा चल रही है तो वो टीला वहाँ पर दूसरी जगह स्थापित हो जाएगा, तो इस प्रकार का बदलता रहता है, तो हम कटीली झाड़ी लगाकर उसका रोक कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि कटाव पर रोक, जैसे मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पथरीली ज़मीन है और वहाँ पर अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो तो हम वन लगाकर भूमि का कटाव रोक सकते हैं। इसके अलावा देखें बंजर भूमि का प्रबंधन, जो बंजर भूमि प्रबंधन रहता है उसमें कुछ ऐसे कृत्रिम क्रिया कर सकते हैं जैसे कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर हम उत्पादन कर सकते हैं कृषि के द्वारा। अब देखेंगे मृदा संसाधन, तो वो भू संसाधन जो रहता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित रहती है और क्या क्या होता है, इस प्रकार का देखते हैं। मृदा संसाधन जो रहता है, तो मृदा संसाधन में क्या रहता है, एक मिट्टी रहती है, और एक मिट्टी किस प्रकार की रहती है यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ी में बताएं अगर जो है कि मृदा संसाधन जो रहता है वो प्राकृतिक संसाधन रहता है, यह भी जिसमें एक परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अगर जो मिट्टी रहती है, ठीक है, इस प्रकार से समझेंगे हम, ठीक है। जैसे कि आपकी ज़मीन है और यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर परत रहती है, ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पर परत रहती है, ज़रा बड़ा नहीं समझेंगे हम, इतना बड़ा समझेंगे हम। और यहाँ पर जैसे कि ये इस चीज़ से बताया है, इसके अलावा इस प्रकार से यहाँ पर और यहाँ इस प्रकार से बताया है, ठीक है, इस प्रकार के आपने एक 10th क्लास में एक पढ़ा होगा मृदा के बारे में, एक टॉपिक है जिसमें प्राकृतिक संसाधन में हमने देखा था, उसमें एक चित्र डायग्राम दिया हुआ है, आप किताब में जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर इस प्रकार का कण कण ये रेत के, पत्थर के, खनिज के, इस प्रकार के जो परत रहती है वो बताया जाता है। अब उसको बनने में क्या, जैसे कि मान लो एक जो परत रहती है छोटी सी, इसको लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में, ठीक है। जैसे कि आप जहाँ पर खड़े हैं और जहाँ पर एक परत है वह उसको बहुत समय हो गया है बनने में, ऐसा टाइम लगता है। अब जब मृदा परिवर्तन रहता है क्या रहता है, जो प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण दो प्रकार करता है, अभी दो प्रकार, देखो वायु प्रदन क्या होता है कि वायु से जो मिट्टी को नष्ट हो रही है उस प्रकार का रहता है, और जो जल के द्वारा हो रही है ये इस प्रकार से रहता है। देखिए वायु अपरदन का मतलब क्या होता है, वायु से जो हवा से उड़ रही है, जैसे कि अभी मैंने रेतीले टीले की बताई कि हवायु चलती है, हवा चलती है तो उससे जो टीले रहते हैं वो परिवर्तनशील रहते हैं, इसके अलावा जो पट्टी कृषि रहती है उससे भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखो रक्षक मेखला जो रहती है ना, रक्षक मेखला ये रहती है कि जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं खेती करने या फिर कब्जा करने के लिए जो रक्षक मेखला रहती है, जो जमीन रहती है बीच की एक लंबी पगडंडी रहती है उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जल अपरदन की बात करें तो जल अपरदन जैसे कि ज़्यादा पानी बहाव हो जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक है, अक्सर खेत में हम देखते हैं, तो इस प्रकार का यहाँ पर रहता है। अब देखो मानवीय कारण क्या रहता है कि यहाँ पर संभोज कृषि रहती है,
और सीढ़ीदार कैसे रहती है, ठीक है। इसका अलावा हाथी चढ़ाई पर रोग होता है। हाथी चढ़ाई का रोग मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि जो आपकी भीड़ होती है या फिर चारागाह रहता है उसमें ज़्यादा चराई हो जाती है तो वहाँ पर मिट्टी नष्ट होती है। इसके अलावा वनारोपण की बात करें, अगर वन को रोपण नहीं करेंगे, ज़्यादा वन रोपण करेंगे तो यहाँ पर अपर्दन से रोक सकते हैं। इसके अलावा संरचनात्मक जो बात आती है, संरचनात्मक बांध रहते हैं उसमें भी हमको फायदा मिलता है। तो इस प्रकार का मृदा अपर्दन का टॉपिक था हमारा, ये तीसरा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर तीन लिख देते हैं, दो समझ लिया हमने। ऊर्जा संसाधन, देखो ऊर्जा संसाधन क्या होता है कि ऐसा संसाधन जिसका प्रयोग शक्ति हेतु किया जाता है, मतलब एक प्रकार की यहाँ पर पावर की बात होती है ना। अभी हमने जो समझे थे वह एक नॉर्मल प्राकृतिक थे, परंतु जब ऊर्जा की बात होती है तो सूर्य रहता है, सूर्य से या फिर भूमि रहती है, आग रहती है, इस प्रकार की जो ऊर्जा मिलती है हमको वह शक्ति के आधार पर एक पावर रहती है। इस आधार पर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। अब जो ऊर्जा संसाधन कहते हैं उनको दो प्रकार से बताया गया, परंपरागत और गैर परंपरागत। देखो परंपरागत मतलब क्या होता है कि परंपरा के आधार पर शुरू से मिल रहे हैं हमको प्राचीन समय से, है ना। इसका हम यहाँ पर जो प्रयोग करते आ रहे हैं उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं हुई है और कोई प्रकार का यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। परंतु आधुनिक अगर समय की बात करें तो बहुत जल्दी अगर हमने ध्यान नहीं दिया है तो ये नष्ट हो जाएंगे और हमको वापस से जो प्राप्त होंगे तो इसमें लाखों समय हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लकड़ी की बात करेंगे हम, जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन रहते हैं वह लकड़ी रहती है, कोयला रहता है, पेट्रोलियम रहता है, प्राकृतिक गैस रहती है और विद्युत रहता है, ठीक है। इसके अलावा गैर परंपरागत की बात करें, ठीक है, जिसका हम एक प्रकार की शक्ति के आधार पर रहता है, ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन है, बायोगैस है, भूतापी है और ज्वारी है और परमाणु है। इस प्रकार से दो प्रकार में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं कि परंपरागत और गैर परंपरागत यहाँ पर सम्मिलित कीजिए या असम्मिलित कीजिए, कौन सा नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे यहाँ पर, आपको सही जोड़ी बनाना है तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस प्रकार से रहता है। अब देखो अनवीकरण नहीं है, देखो नवीकरण, ठीक है। देखो यहाँ पर हमको इसमें पहले यह समझ लेंगे क्या होता है। देखो अनवीकरण का मतलब क्या होता है कि नवीकरण मतलब नवीन, ठीक है। नवीकरण अनवीकरण को हम नवीन कर लेंगे और अ लगाया है हमने, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अनवीन का मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत देर से, है ना, या फिर बहुत समय लगेगा, उस नवे लगने के बाद में यहाँ पर वापस से उपस्थित होगा। और नवीकरण मतलब नवीन, मतलब आपको बार बार ये चीज़ें वापस से नए प्रकार से मिल सकती है। देखो अनवीकरण में क्या आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आती है। जो कोयला रहता है वह लाखों वर्ष हो जाते हैं और लाखों वर्ष जो सड़न रहती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई कुत्ता मरता है, ठीक है, तो उसका जो मांस रहती है, हड्डी रहती है, वह एक प्रकार से जमीन में दबती जाती है और जो धूल रहती है, वायु रहती है, उस पर दबाव रखती रहती है और जो लाखों वर्ष हो जाता है तो वही कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का आधार पर यहाँ पर उपस्थित रहती है। मतलब कोयला रहता है वह चार प्रकार का रहता है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ना चार प्रकार का पाया जाता है। तो पेट्रोलियम रहता है, पेट्रोलियम क्या रहता है, एक प्रकार का जो कुआ रहता है समुद्र में या फिर ऐसे जमीन पर जहाँ पर पेट्रोलियम उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर देखो तरल सोना कहाँ कहाँ है, पेट्रोल जो रहता है इसको, इसके अलावा ये सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, डिगबोई असम में पाया गया था 1867 में, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस रहती है, उसको स्पिरिट प्राकृतिक गैस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से देखे जाएंगे हम, इसको हम इंग्लिश में अगर बात करें हम तो सीएनजी कहा गया है, जिसको हम यहाँ पर सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा गया है। इसके अलावा हम यहाँ पर नवीकरण की बात करें तो नवीकरण रहते हैं, मतलब जहाँ पर उपस्थित बार बार नए तरीके से होते हैं, जिसमें देखो जल विद्युत होता है बार बार मिल जाती है, चीज़ हमको सौर ऊर्जा रहती है यह भी बार बार मिल जाती है, पवन ऊर्जा रहती है यह भी बार बार मिल जाती है। जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत एक वाणिज्य प्रकार का रहता है कि बहुत ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है और टर्बाइन के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जाता है। और जो सौर ऊर्जा रहती है तो सौर ऊर्जा बड़े बड़े यहाँ पर ऐसे एक प्रकार के उत्पादन सौर विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पर एक प्रकार के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगाई जाती है जिसमें सौर जो सूर्य रहता है उसको रोशनी पड़ने से यहाँ पर रासायनिक क्रिया के बाद में सीधे प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा की बात करें तो हवा का जो रूप रहता है उसको हवा के द्वारा बड़े बड़े पंखे चलते हैं, पवन ऊर्जा के अंदर रखा गया। जारी ऊर्जा रहती है जो समुद्र में क्रिया रहती है उस आधार पर किया जाता है। इसके अलावा बायोगैस रहती है और नाभिकीय रहता है, बायो डीजल रहता है। देखो बायोगैस जो रहती है वह अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं जैसे गोबर है या फिर पत्तियाँ हैं, खेत का निकला जो बगदा है उसके आधार पर यहाँ पर बायोगैस बनती है। नाभिकीय रहती है, नाभिकीय का मतलब क्या रहता है, एक थोरियम रहता है वह यूरेनियम रहता है, ठीक है, इसके विखंडन से नाभिकीय बनता है। इसके अलावा देखो बायोडीजल रहता है, तो बायोडीजल तीन प्रकार से, देखो एक रतन ज्योत कहते हैं, रतन ज्योत के जो रतन ज्योत इसके जो बीज रहते हैं उससे बनता है। इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर ये जो कर्कश और योगमिया जो रहता है ना, कर्कश
और योग मिया। इस आधार पर यहाँ पर बायोडीजल बनता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे संरक्षण के, आप जो ये ऊर्जा संसार है इसका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, वो खर्चों की मुक्ति है ना, इसके अलावा ऊर्जा की बचत करके इसके अलावा संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर कर सकते हैं। और किस प्रकार से रहता है देखेंगे हमें, स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधे, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो स्वतः ही ऑटोमेटिक उगते हैं, वृक्षों और झाड़ियों के समंगन आवरण को हम वन सजन कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी रहती है इसमें हम जैसे कि हर साल बारिश होती है, ठीक है, आप देखते हैं कि हर साल गाजर घास उग जाती है ऑटोमेटिकली, या फिर आप खेत में खेती करते हैं तो उस समय ऑटोमेटिक ऐसा सारा उग जाता है जो ऑटोमेटिक होता है, जो झाड़ियों के रूप में या फिर पेड़ पौधों के रूप में उग जाता है, उसको हम वन सजन कहते हैं। वन संसाधन कहते हैं, जो वन संसाधन रहता है उसको हम हरा सोना भी कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा हरा सोना किसको कहते हैं, हम तो वन संसाधन को कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रभावशील कारक बताया गया है कि जो वन संसाधन रहते हैं उसमें कारक कौन कौन से हैं। देखते हैं तो धरातल रहता है, मतलब ये कि जो धरातल है ये स्पष्ट होना चाहिए। मिट्टी की दशा, मतलब इसकी जो उर्वरण शक्ति रहती है मिट्टी की वह कैसी होना चाहिए। इसके अलावा प्रकाश की अवधि, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है वह सही से रहना चाहिए। इसके बाद में आर्द्रता, मतलब जो जलवायु रहती है, जैसे कि ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा पर ज़्यादा पानी गिरता है, इस प्रकार से यहाँ पर आर्द्रता रहती है। भूगर्भिक संरचना है, मतलब भूगर्भिक संरचना है, यहाँ पर जो भूमि की जो स्थिति है वह कैसी होना चाहिए, इस प्रकार के कारक। इसके अलावा तापमान, महाकाय, इस पर जलवायु, इस प्रकार का जो प्रभावशील कारक रहता है, एक पौधा रहता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए, इस प्रकार का यहाँ पर वन संसाधन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर वन संसाधन रहता है, उसका जो रहता है उसमें आवश्यकता किस प्रकार से, महत्व किस प्रकार से रहता है, यहाँ मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति करती है ना। वन जो रहता है, अगर वन अगर यहाँ पर नहीं रहता है तो ऑक्सीजन की कमी, हम हमारे इसमें ऑक्सीजन की जो कमी रहती वह अधिक रहती। इसके अलावा वन उद्योग, इसके अलावा औषधि, इसके अलावा वन वर्षा में सहायक, इसके अलावा उपभोग, वन्य जीव, आवास, भोजन, ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर आवश्यकता हमको लगती रहती है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर से हम समझते आ रहे हैं। इसके अलावा भूमि कटाव में कमी, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संतुलन, इस प्रकार से यहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ती रहती है। अब देखो वनों की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं हम, कि वनों के जो पर मतलब अगर वनों की जो लकड़ी प्राप्त होती है उसको हम कम से कम जलाएंगे तो यहाँ पर रोक लगा सकते हैं। वृक्षारोपण व आग से बचाव, जो वृक्षारोपण है आग से बचाव कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर वनों की रक्षा कर सकते हैं। अब देखो भारत में वनस्पति किस प्रकार से पाई जाती है, यहाँ पर तीन प्रकार के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। देखो शीतोष्ण कटिबंधीय है ना, तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा मैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो शीतोष्ण से हम शीत कर लेंगे, ठीक, और शीत का मतलब क्या होता है, ठंड, और ठंडे क्षेत्रों की बात हो रही है ना, शीतोष्ण मतलब ठंडे क्षेत्रों की बात हो रही है। तो शीतोष्ण जो वृक्ष रहते हैं और ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ठंडे क्षेत्र कहाँ पर रहता है, हिमालय में रहते हैं, ठीक है, हिमालय की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ऐसे शीतोष्ण कटिबंधीय वन रहते हैं वह हिमालय में पाया जाता है। अब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय दो प्रकार के रहते हैं। तो उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म, और गर्म क्षेत्र कहाँ रहते हैं, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है वहाँ पर गर्म क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आता है जो कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम घाट पर पाए जाते हैं, अडवान निकोबार में पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा उष्ण कटिबंधी की बात करें तो ये डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, और मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रकार से पाए जाते हैं। अब देखिए जो भारत की बात करें, उनके भारत देश में वन का जो क्षेत्रफल राज्यों के आधार पर कहाँ पर कम और ज़्यादा किस प्रकार से रहता है, तो वह देखेंगे। देखो यहाँ पर देखो नागालैंड है ना, नागालैंड जो राज्य है वह क्या है, 78% है ना, 78 into 68% यहाँ पर बताया गया है। अंडमान निकोबार जो रहता है उसमें 81.73% बताया है। अरुणाचल प्रदेश जो है उसको 83.3% बताया गया है। इसके अलावा जो मणिपुर है उसको 80% बताया गया है। इसके अलावा लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप रहता है वहाँ पर 90.33% बताया गया है। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 86.27% सबसे ज़्यादा बताया गया है, और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा में बताया गया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ क्षेत्रफल में बांटा गया है। इसके अलावा देखो जो वन रहते हैं वह किस प्रकार से पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहलाते हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है। उष्ण कटिबंधीय की बात करें हम, जो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, देखो कौन कौन से पाए जाते हैं, महागोनी पाया जाता है, एगोनी पाया जाता है, रोजवुड पाया जाता है, ठीक है। ये ऐसे वन ये हमेशा सदैव हरे भरे रहते हैं। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं, तो देखो इसमें क्या विशेषता रहती है कि एक निश्चित समय आता है उस समय पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, और पुनः उग जाते हैं, इस आधार पर रहते हैं। इसको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। इसमें सागौन रहता है, साल रहता है, चंदन रहता है, बाघ हंस रहता है, शीशम रहता है, इस तरह रहते हैं। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है ना, कांटेदार वन की बात हो रही है, ये झितरे और झाड़ी नुमा वन आते हैं, जिसमें किकर रहता है, बबूल रहता है, किक्टस रहता है,
ठीक है। इसके अलावा पर्वतीय वन की बात करें तो पर्वतीय वन जो पर्वत में या फिर घाटियों में पाए जाते हैं, जैसे चीड़ है, देवदार है, ओक है और पिनार है, इस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए ज्वारीय वन की बात करें तो ज्वारीय वन जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। तो वन संसाधन के अंदर जो हमारे जीव जंतु रहते हैं है ना, जो वन में उपस्थित रहते हैं, वन में निवास करते हैं, उसको किस प्रकार से संरक्षण या फिर प्रयास या अधिनियम किस प्रकार से देखते हैं, तो इस प्रकार से देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के लिए आपको यहाँ पर देखो अभ्यारण्य की आवश्यकता होती है, तो अभ्यारण्य का स्थापना कर सकते हैं, बायोस्फीयर कवर की स्थापना कर सकते हैं, चिड़ियाघर की स्थापना कर सकते हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कर सकते हैं, बाघ को रिजर्व रखने की स्थापना कर सकते हैं, या फिर जो संकट में पशु रहते हैं जैसे विलुप्त होते हैं ना, जैसे कि मान लो आज के टाइम पर चील की बात करें तो चील एक विलुप्त प्रजाति है, उसको प्रजनन क्षेत्र की बात करें पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पर क्या है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए हम अगर स्थापना की बात करें तो सबसे पहले स्थापना अमेरिका में हुई थी, ठीक है। वन्य जीवों से संबंधित की स्थापना अमेरिका में हुई थी, जिस अमेरिका में 1872 में की गई थी, जिसको हम येलोस्टोन पार्क के नाम से जानते हैं। अगर भारत यह तो अमेरिका की बात हो रही है, परंतु तो हमारे भारत की बात करें तो भारत में यहाँ पर कब हुआ था, तो भारत में यहाँ पर 1972 में किया गया था, 1972 में स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसमें भारत में वन्य प्राणी अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है, 1972 में। तो इतना है। इसके बाद में अगला देखेंगे हम प्रथम नेशनल पार्क था, ठीक है, नेशनल पार्क था ये कब पाया गया था, जिसको 1936 में कहा गया है कि 1936 में ये पाया गया था। इसके अलावा देखिए जो बाघ की परियोजना थी, बाघ की परियोजना कब की गई थी, तो यहाँ पर 1973 में बताया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें उस समय क्या बात थी, जो 55,000 थे जो, ठीक है, बाघ जो उस समय घटकर 1875 हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पर, अब इसमें आपको देखो बाघ परियोजना है और जो प्रथम वन्य जीव अधिनियम कैसे याद रखना है, तो यहाँ पर 1972 कर लेंगे और 1973 कर लेंगे, या मतलब कंपलसरी बाघ परियोजना और वन्य जीव अधिनियम इस प्रकार से कंपलसरी रहता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय के नाम से स्थापना की गई थी, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापना की गई थी, इसके अलावा असम में बात करें तो मानस बाघ परियोजना के आधार पर की गई थी, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ के नाम से स्थापित है, राजस्थान की बात करें तो सरिस्का वन्य जीव के नाम से स्थापित है, यहाँ पर केरल में पेरियर बांध के नाम से स्थापित की गई है। अब देखो यहाँ पर वन संरक्षण प्रयास और वन्य प्राणी अधिनियम किस प्रकार से बताया गया था वो देखेंगे हम। यहाँ पर देखो वन संरक्षण का प्रयास कब किया गया था, तो वन नीति की जो घोषणा थी वह कब की गई थी, तो वह हमारे यहाँ पर 1952 में की गई थी, ठीक है। और संशोधन की बात करें तो संशोधन यहाँ पर 1988 में किया गया था, ठीक है, इसको संशोधन कर लेंगे हम। अब देखो वन महोत्सव रहता है, तो वन महोत्सव कब से प्रारंभ किया गया था, तो वन महोत्सव यहाँ पर 1950 में प्राप्त किया गया था, जिसमें वन मंत्री उस समय जो थे वह कौन थे, KM मुंशी, ठीक है, इन्होंने 1950 में वन मंत्री के पद पे रहते हुए वन महोत्सव की शुरुआत की थी, जो वन महोत्सव 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक एक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इसके वन आयोग की बात करें तो वन आयोग यहाँ पर 1965 में स्थापना की गई थी, जो आंकड़े और सूचना एकत्र करने के लिए किया गया था। और वन अनुसंधान की बात करें तो वन अनुसंधान का कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थापित है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो 5 जून को मनाया जाता है, कंपल्सरी याद रख सकते हैं हम। ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस जो रहता है, तो ग्रीन हाउस की स्थापना कब की गई थी, यह 2014 में की गई थी, ठीक है। अगला देखेंगे हम वन्य प्राणी अधिनियम का जो रहता है उसको भी संधि में हम देखेंगे, तो किस प्रकार वन्य प्राणी जो अधिनियम रहता है वह 1972 में स्थापना की गई थी। अब देखिए 1972 की जो बात कर रहा हूँ, वन्य प्राणी अधिनियम भी किया गया था और यहाँ पर हमने जो समझा था वो भी था। इसके अलावा देखो इसका जो संशोधन था वह कब किया गया था, 1991 में किया गया था, ठीक है। वन्य विहार जो पार्क है उनकी स्थापना किस प्रकार से की गई थी, ठीक है, वन्य विहार पार्क और रिजर्व पार्क के आधार पर की गई थी। अब पर्यावरण संरक्षण जो रहता है, तो पर्यावरण संरक्षण कब किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण जो रहता है वह 1992 में नीतिगत दस्तावेज के आधार पर किया गया था।
अब जो पर्यावरण नीति की बात करें तो पर्यावरण नीति जो रहती है वो पर्यावरण नीति 2006 में की गई थी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पर, तो इसके अलावा जो बाघ रहते हैं है ना, उसको राष्ट्रीय पशु, जैसे राष्ट्रीय जो पशु है वो कौन है हमारा, वो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें हम तो ये मोर की बात होती है, और राष्ट्रीय पशु विरासत, ठीक है, इसमें हम हाथी की बात करते हैं। तो इस प्रकार का हमारा आज का टॉपिक था। अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे कि प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो देखो, जल को देखा था अपने, खनिज को देखा था, ऊर्जा को देखा था, परंतु सस्ता जो रहती है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगला प्रश्न है हरा सोना किसे कहा गया है। तो हरा सोना किसे कहा गया है, जल संसाधन, भू संसाधन, वन संसाधन, मानव संसाधन। तो अपने वन संसाधन के नाम से हरा सोना देखा गया था। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया है, उसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ ऊर्जा का अपव्यय रोककर संरक्षण की आवश्यकता है। तो किसकी है, सतत विकास की, ओजोन पाई की, वैश्विक तापमान की, और उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सतत विकास की बात हो रही है। सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ ऊर्जा का उपयोग रोककर संरक्षण भी करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो सही कथन की बात आ रही है, देखो जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलन एवं पुनर्वास की समस्या भी आती है। बायोगैस का उपयोग प्रायः खाना बनाने में होता है, तो ये सही है, ए बी दोनों। अगला है नाभिकीय ऊर्जा में अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हमको करीब करीब दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है कि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून और 16 सितंबर, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ चारों ऑप्शन के कब। देखो 22 मार्च जो रहता है वो जल संसाधन के रूप में माना जाता है, 22 अप्रैल जो रहता है वो जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून जो रहता है वह पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 16 सितंबर जो रहता है वो ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखो जो 5 जून रहता है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन था आज का।